उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 76वां सैन्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान समेत भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। वहीं सेना दिवस के कार्यक्रम में 14 जवानों को सेना मेडल वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वीरता पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए सभी सैनिकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जवानों ने परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। आज के दिन हम उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवारजनों को आश्वस्त करता हूं कि वो सैन्य परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मैं आज की परेड में भाग ले रहे सभी रैंक्स को अनुशासन, कड़ी मेहनत और मिलिट्री प्रिसिशन के सटीक प्रदर्शन के लिए शाबाशी देता हूं। साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशंस प्राप्त करने वाली यूनिट्स और व्यक्तिगत अवार्ड्स विजेताओं को मैं इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।